नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका दैनिक दिल्ली न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 108 से उतरते ही महिला ने अस्पताल के सामने ग्राउंड में बच्चे को दिया जन्म। मामला छतरपुर जिले के राजनगर तहसील अंतर्गत गोरेगांव का है, जहां महिला विमल कुशवाहा के पेट में दर्द होने पर उसके पति गंगाराम कुशवाहा ने जननी वाहन 108 को फोन लगाया, लेकिन जननी वाहन के 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद वहां वाहन पहुंचा और गाड़ी से उतरते ही अस्पताल के सामने ही महिला ने रात 10:30 बजे बच्चे को मैदान में जन्म दे दिया। इस घटना से राजनगर अस्पताल प्रबंधन की पोल खुल गई है। वहीं लापरवाहियों के कारण जननी वाहन 108 एवं स्वास्थ्य कर्मियों पर बार बार लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। वो 1.5 घंटा पहले हमने फोन लगाया था एम्बुलेंस वाले को, तो हाँ। वो 1.5 घंटा बाद लेट पहुंचे, तो वो यहाँ अस्पताल के पास गेट के अंदर हो गई। जैसे गाड़ी से उतारा आपने, उसके बाद डिलीवरी हो गई? हाँ, गाड़ी से उतारी तो इसके बाद डिलीवरी हो गई। तो डिलीवरी किसके द्वारा कराई गई? तो डिलीवरी तो हम ही लोग थे और कोई नहीं था यहाँ पर, नर्स डॉक्टर वगैरह कुछ तो कोई नहीं था। बच्ची यहीं पे पैदा हो गई आपकी? हाँ, गेट के अंदर, जैसे ही अस्पताल के अंदर आए तो गेट के अंदर तो हो गई, गाड़ी से उतरी तो हो गया। तो अभी तक की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक दिल्ली न्यूज़। नमस्कार।